Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes class 10th. I'm your social science expert, my name is Ananya ma'am, and today we are here with the part 4 of economics chapter sectors of Indian economy. We have already done with the part 3 parts of this chapter, but now today we are here with the 4th session of this chapter. It is big bit elaborated chapter hai thoda sa and utna hi easy chapter hai. Of economics, that is sectors of Indian economy. So let's start with the next topic that we are going to cover is the state of primary sector. Jo humne last part end kiya tha, that was with the state of tertiary sector. Tertiary sector kaise develop kar raha hai, raise kaise ho raha hai tertiary sector mein. Now today we are going on to with the state of primary sector. Ki primary sector mein kya development hai, primary sector ka kya contribution hai, and primary sector is also known as agriculture sector. Kya hai iska contribution hamari economy mein, what कितना जीडीपी में इंक्लूड हो रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर कितना अपना इंक्लूजन दे रहा है. स्टिल कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट सेक्टर विद अप्रोक्सीमेटली व्हाट दे आर सेइंग स्टिल, कि अभी भी ना जो रूलिंग है यार वो प्राइमरी सेक्टर की ही है, एग्रीकल्चर की ही है. हमारे एम्प्लॉयमेंट शेयर में अभी भी 54% प्राइमरी सेक्टर का ही है. टर्शरी सेक्टर डेवलप हो रहा है बट बहुत एक स्लो पेस पर डेवलप हो रहा है. अदरवाइज प्राइमरी सेक्टर एक बहुत अच्छे पेस पे डेवलप हो रहा है बिकॉज नॉट इनफ जॉब. और ये क्यों है कि अभी भी प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्यों रूल कर रहा है, बिकॉज एक्चुअली में एक जो जॉब क्रिएशन जॉब अपॉर्चुनिटीज टर्शरी एंड सेकेंडरी में प्रॉपरली नहीं है. दैट्स वाई दे आर द पीपल आर गोइंग टू द प्राइमरी सेक्टर ओनली बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड, कि टर्शरी और प्राइमरी में इनफ जॉब्स अवेलेबल नहीं है. जितनी जॉब्स जितनी पॉपुलेशन है, देखो हमारे कंट्री में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पढ़े लिखों को ही जॉब नहीं मिल रही है, दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर. और ये पता है क्यों है, एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बी टेक वाले भी खाली बैठे हैं, है ना ऐसा. तो ये क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है. तो उन्हें जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन अंडर मतलब एक कंट्रोल में नहीं है. बट इट डजंट कॉन्ट्रीब्यूट इन जीडीपी अकॉर्डिंगली, इन फैक्ट इट लीड्स टू द प्रॉब्लम कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट, आपको पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें ना एक अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. What is disguised unemployment क्या है, that is also known as under unemployment. तो ये disguised unemployment क्या है, suppose एक field है, okay? उस field में ना सिर्फ 10 persons की ही need है, लेकिन उस पर काम 15 कर रहे हैं, okay? एक field है उस पर सिर्फ और सिर्फ 10 की ज़रूरत है, but 15 are working, और पता है extra है ना 5. जो एक्स्ट्रा 5 वर्कर उनके होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें अगर रिमूव भी कर दिया जाए तो क्यों ना इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करा जाए, जो एक्स्ट्रा 5 है वो कहीं और जाके वर्क करे सो दैट एक्स्ट्रा इनकम आए. और ये ज्यादातर फैमिलीज में होती है, जो प्राइमरी सेक्टर में जो मतलब घर के ही लोग हैं दे कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड, वो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, लेबर करते हैं, बाहर से जो हायर नहीं करते. फैमिली में देयर आर 15% एंड 15 आर वर्किंग इन वन फील्ड. तो ये क्या है, जो एक्स्ट्रा 5 है यार वो बाहर जा काम क्यों नहीं करते, सो दैट एक्स्ट्रा इनकम भी आएगी. वो उन 5 के होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर वो होंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन निकल कर आएगा, और अगर वो नहीं होंगे तो भी उतना ही प्रोडक्शन निकल कर आना है, उससे ज्यादा नहीं हो जाएगा. तो ये सब कुछ चीजें क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा है एंड इट नीड्स टू बी अमेंडेड, चेंजेस की जरूरत है. सो प्राइमरी सेक्टर की ये थोड़ी सी एक डिसहार्टनिंग सी स्टेट है कि प्राइमरी सेक्टर इतने अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा है. उसके बाद हमारे पास आता है लेट्स ट्राई एंड आंसर सम क्रूशियल क्वेश्चंस. दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या है, वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, प्राइमरी सेक्टर में ही यार. अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें, हाउ टू क्रिएट, कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज सेकेंडरी में एंड टर्शरी में कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं. देन दीज आर द एक्चुअल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चा, ये
डिविजन ऑफ सेक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट दीज टू क्वेश्चंस वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर. आज हम इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से इलैबोरेटेड वे में करेंगे. ओके, सो हमने क्वेश्चन पढ़ा, लेट्स सी विच सेक्टर प्रोवाइड. यहां से हमें साफ अच्छे से बहुत क्लियर हो रहा है दैट विच सेक्टर इज प्रोवाइडिंग, विच सेक्टर प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट, कौन सा सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. क्लियरली देयर आर, देखो दिस इज टर्शरी सेक्टर, दिस इज गोइंग टू सेकेंडरी सेक्टर, दिस इज प्राइमरी. 1973 में अगर हम देखें तो इट वॉज प्राइमरी सेक्टर, अगर हम 2000 तक भी आए तो कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर ही रूल कर रहा है. क्लियरली प्राइमरी सेक्टर इज द विनर, और पता है वो क्यों है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में डेवलप नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज में डेवलप नहीं कर रहे हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी आर नॉट डेवलपिंग प्रॉपरली, आर नॉट गिविंग प्रॉपर आउटकम टू द पीपल. की फैक्ट्स, एनसीईआरटी में भी यही चीज है, एनसीईआरटी भी हमें यही कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, व्हेन इंडस्ट्रियल में 3 times एम्प्लॉयमेंट, कि हम ये नहीं कह रहे कि दैट इट इज नॉट, बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, बिल्कुल भी डेवलप नहीं, डेवलप हो रहा है. अगेन एंड अगेन मैंने पहले भी ये बोला कि बहुत स्लो पेस पे डेवलप हो रहा है, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, इट इज नॉट डेवलपिंग इन अ वेरी गुड मैनर. 3 times इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट हुई है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो 5 times टर्शरी में भी हुई है, टर्शरी में भी डेवलपमेंट हुई है, 5 times डेवलपमेंट वो स्लो पेस पर हो रही है, हाफ ऑफ द पीपल इन द कंट्री. लेकिन अगर अभी भी हम देखें तो हाफ ऑफ द पीपल जो है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही इंक्लूडेड है, प्राइमरी सेक्टर में ही वर्क कर रहे हैं, बट कंपेयर टू अदर 2 sectors GDP इज जस्ट 0.25%. टर्शरी सेक्टर की अगर हम देखें तो GDP इतनी ज्यादा अच्छी नहीं जा रही है. क्लियर, सो दिस वर, दीज वर सम ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द फ्रॉम एनसीईआरटी. सो जस्ट क्लियर इट, ये भी हमने देखा दैट वॉट इज द स्टेट, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, प्राइमरी सेक्टर अच्छे मतलब डेवलप कर रहा है, टर्शरी और सेकेंडरी जो एक स्लो ग्रोथ रेट पे डेवलप कर, इट इज नॉट डेवलपिंग इन अ वेरी गुड मैनर. सो दीज, दिस वॉज योर पार्ट 4 वीडियो ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. वील बी कमिंग अप विद द पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, differences. Clear? Thank you so much. This was Ananya Chawla signing off. Keep learning, keep enjoying.